नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हैंकी का एक बहुत ही सुंदर यूज़ बताऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ से आपको सिलाई दिख रही है, इसको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है ये, तो इससे खुल जाएगा। अब इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग है इसका 9.5 बाई 9.5 इंच। ये जो ये सिलाई है चारों तरफ, इसके बराबर तक है। अब हम सेम साइज़ का कपड़ा कट करेंगे और उसके ऊपर हैंकी रखेंगे। हैंकी को रख करके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। हैंकी को हमको राइट साइड में ही रखना है, राइट साइड ऊपर रहेगा। अब थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा बचा है उसको कट कर देंगे। इसके बाद हम लेंगे एक स्ट्रिप, स्ट्रिप की लेंथ लेंगे हम 12 इंच। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो उसको कट करके हटा देंगे और विड्थ हम लेंगे 4 इंच। अब हम इसको डबल करेंगे और सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देंगे। ये मार्किंग के लिए किया है मैंने। अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे एक छोर पे, आप किसी भी छोर पे रखें। एक छोर से शुरू करेंगे और इसमें हम छोटे छोटे प्लेट्स लगाते हुए ऊपर तक जाएंगे। इसमें हमको 3 कॉर्नर को प्लेट्स के द्वारा इस पर अटैच कर देना है। अब हम अपर डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो फिर दूसरी साइड में हम इसको लोअर डायरेक्शन में लगाएंगे सेंटर में जाने के बाद। यहाँ तक हो गया है। अब हमने पूरा इसको कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट करने के बाद स्ट्रिप को ऊपर की साइड में मोड़ देंगे, 1/2 इंच अंदर की साइड रखेंगे, फिर उसको मोड़ करके यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा देंगे। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी आपको वो ज़रूर बताएगा। अब एक स्ट्रिप और लिया है, 3 इंच इसका विड्थ, 2.5 इंच इसका विड्थ है और लेंथ है 26 इंच। यहाँ पर भी हमने सेंटर में छोटा सा मार्क कर दिया है। अब हम हैंकी वाले हिस्से को लेंगे और इनका दोनों का सेंटर मिला लेंगे। एक के ऊपर दूसरे का सेंटर रखेंगे और सेंटर में हमको 2 छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं। अब यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, इसको अटैच कर देंगे स्ट्रिप के ऊपर। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं। अगर आपको कुछ नया चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, मैं ज़रूर उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। अब हम इसको दोनों साइड से 1/2 इंच फोल्ड करके अंदर की साइड लेंगे और पूरा आगे तक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाया था उसको कवर करते हुए ऊपर तक कपड़े को रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फ्रेश स्टिच लगाएंगे। इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने छोटी सी 2 लूपियाँ लगा दी हैं। तो ये फ्रेंड्स एक जस्ट न्यू बोर्न बेबी के लिए कैप बन करके रेडी हो गई है। गर्म भी रहेगा, अंदर में कॉटन कपड़ा भी हमने लगाया है। तो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ आप।